गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप ऑनलाइन क्लास में आपके स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर विषय विज्ञान सेक्शन विज्ञान शिक्षण के शिक्षा शास्त्र संबंधित मुद्दों के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्यों में अंतर के बारे में उनमें थोड़ी चर्चा की। आज उसे को कंटिन्यू करते हुए मैं उन्हें थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आपको पिक कर देता हूँ। मोटे रूप से देखा जाए तो दोनों एक ही है, परंतु गहराई से विश्लेषण करने पर यह बोध होता देखा गया है दोनों एक ही है। परंतु गहराई से विश्लेषण करने पर बोध होता है किसी विषय के पठन से अधिकतम जो भी लक्ष्य प्राप्त होते हैं हो सकते हैं उन सभी को प्राप्त करना उस विषय के पठन पालन के उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन पाठन की कई छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है, अर्थात उसके कई छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं जो बनाए रखने होते हैं। उन्हें उस विषय के प्राप्त उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य जहाँ एक तरह से आदर्श ही होते हैं वही प्राप्य उद्देश्य व निश्चित होते हैं। क्रियाएं या अभ्यास कार्य क्रिया या अभ्यास कार्य नंबर 1 और छोटे छोटे तथ्यों का निर्धारण यानी विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। नंबर 2 लक्ष्य की प्राप्ति वही नंबर 2 का उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था किसी विशेष उद्देश्य के लिए कुछ प्राप्त उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक प्राप्त उद्देश्य की परीक्षा के लिए हमको पाठ्य वस्तु तथा बालक के व्यवहार में परिवर्तन को ध्यान में रखना होता है। आवश्यक वस्तुएं भी साथ में ली जा सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य अखिल भारतीय विज्ञान 1956 के अनुसार उच्च प्राथमिक शिक्षण गोष्ठी स्तर पर विज्ञान शिक्षण के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें के अंतर्गत नंबर 1 प्रकृति एवं वातावरण के प्रति रुचि जागृत करना एवं उसको बनाए रखना, नंबर 2 छात्रों में सृजनात्मक अन्वेषणात्मक व कोशात्मक मानसिक शक्तियों का विकास करना, नंबर 3 छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना, क्रमबद्ध तरीके से सोचना तथा निरीक्षण व वर्गीकरण करने की आदत का विकास करना, नंबर 4 स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, नंबर 5 स्वास्थ्यमय जीवन की आदत का निर्माण करना। कोठारी कमीशन 1964 से 1966 ने उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य सुझाए या बताए गए,
जिसके अंतर्गत बालक के वातावरण पर बल, बालक के वातावरण पर बल सामाजिक, बौद्धिक व जैविक। नंबर टू, एक से दो तक में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य आदतों का निर्माण करना। नंबर थर्ड, निरीक्षण शक्ति का विकास करना। नंबर फोर, कक्षा 3 व 4 में व्यक्तिगत आरोग्य विषय तथा स्वच्छता का ज्ञान प्रदान करना। नंबर फिफ्थ, कक्षा 5 में रोमन तथा वर्णमाला रासायनिक संकेतों तथा सूत्रों से समझाने के बारे में बताया गया है। नंबर सिक्स, विज्ञान के तथ्यों सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करना। नंबर सेवन, घटना कारण का अवलोकन कार्य निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना। सामान्य रूप से ये उद्देश्य और भी विस्तृत हैं तथा विज्ञान शिक्षक को उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यपुस्तक के साथ साथ संदर्भ पुस्तकों की भी पाठन क्रिया व उचित प्रयोगों का माध्यम बनाना चाहिए। शिक्षण को पाठ के उद्देश्यों से भलीभांति जोड़ना तथा उसी के अनुरूप शिक्षण क्रियाएँ करनी चाहिए। छात्र में अन्वेषण प्रवृत्ति का प्रोत्साहन देना चाहिए तथा अध्यापक को एक मार्गदर्शक के रूप में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। आज इतना ही। कल हम उद्देश्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों है, इस विषय से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। अगर आप घर पर रहें, सेफ रहें, आप अपना व अपने परिजन पर ध्यान रखिए। आपने ऑनलाइन क्लास में भाग लिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्ते।